Hello everyone, welcome back on my YouTube channel, that's Meshwai Vyakshar and I am Vivek Singh Bas. Today's topic is solution of simultaneous linear equation. Linear equation are of two types, first homogeneous linear equation and second non-homogeneous, ठीक है ना. यहाँ देखते हैं कि अगर ये जो constant terms लिखे हुए हैं, if all these constant terms are equal to zero, then this system is known as a homogeneous, otherwise non-homogeneous, ठीक है ना. तो ये system है वो clearly किसका है, non-homogeneous का है. फिर इनके solution की बात आती है. solution भी two types से divided है. यहाँ पर एक होता है क्रेमर रूल और सेकंड होता है मार्टिन रूल, ठीक है ना. तो क्रेमर रूल जो होता है वो होता है हम लोग का डिटर्मिनेंट में, और मार्टिन या मैट्रिक्स मेथड जो होता है सॉल्व करने का वो होता है मैट्रिक्स में. तो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग वो मैट्रिक्स से पढ़ रहे हैं. ये मैट्रिक्स चैप्टर की फोर्थ वीडियो है. तो हम लोग आज जो इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे वो मैट्रिक्स या मार्टिन रूल से डिस्कस करेंगे. मैट्रिक्स या मार्टिन रूल एक ही है जो मैट्रिक्स का यूज़ करके है, और जो क्रेमर रूल है ना वो डिटर्मिनेंट का यूज़ करके है. तो जो हम लोग डिटर्मिनेंट का चैप्टर डिस्कस करेंगे वहाँ इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं क्रेमर रूल से. बट दिस टॉपिक और दिस वीडियो रिलेट्स फ्रॉम द मैट्रिक्स, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स और मार्टिन रूल. ओके देन फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम इसका मार्टिन या मैट्रिक्स रूल सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो इस सिस्टम को हमें मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, ठीक है. अभी जो लिखा वो सिंपल सी इक्वेशन लिखी है, नॉन होमोजीनियस. इन्हें स्टेप से लिख सकते हैं. इन इक्वेशन को ए एक्स इक्वल वी के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है ना. यहाँ पर ए एक्स और वी क्या है अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं. वी जो है ना वो ये जो कांस्टेंट टर्म्स बने थे इन टर्म्स की मैट्रिक्स रहेगी, और ए जो बनेगा वो ये जो सिस्टम्स लिखा हुआ है ना इनमें कॉफिशियंट की मैट्रिक्स रहेगी, और जो एक्स है वो एक्स बाई जेड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना. तो यहाँ लिखते हैं जो ए है वो ये जो इधर कॉफिशियंट्स लिखे हुए हैं कॉन्स्टेंट टर्म, जिस कॉफिशियंट हैं एक्स का कॉफिशियंट बाई और जेड का, इन कॉफिशियंट से जो मैट्रिक्स बनेगी उसे ए बोला जाता है, ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या है, कॉफिशियंट यहाँ है 2, -3 और 5, यहाँ कॉफिशियंट है 3, 2, -4, यहाँ कॉफिशियंट है 1, 1 एंड -2. तो इस कॉफिशियंट को जब हम मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे जो बनेगा उसे बोलते हैं ए. तो यहाँ जरा लिखते हैं, ए हो जाएगा 2, -3 एंड 5, फिर इधर आएगा 3, ये कॉफिशियंट है, फिर कॉफिशियंट है 2, फिर -4, तो 2 एंड -4, फिर कॉफिशियंट है 1, 1 एंड -2, 1, 1 एंड -2, ठीक है ना. ये तो लिख गया ए. एक्स के लिए कॉफिशियंट हो जाएगा एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स जो है एक्स वाई और जेड, ठीक है ना. आफ्टर दैट जो वी था वो होता है कॉन्स्टेंट टर्म वाला कॉफिशियंट. तो ये क्या आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 11, -5 एंड -3, ठीक है ना. हम लोग देखते क्या है कि ये दोनों जो लिखे हुए हैं वो इक्विवेलेंट सिस्टम है या नहीं, यार एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ना, ठीक है ना. तो ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, तो अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या करेंगे, इस रो का इधर कॉलम में ही तो करेंगे. तो देखो 2 जाएगा x के साथ, -3 जाएगा y के साथ, और 5 जाएगा z के साथ. मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये 2x -3y + 5z, और इधर से इक्वल हो जाएगा 11. देखो जरा फर्स्ट इक्वेशन मिल गई या नहीं. फिर आफ्टर दैट देखते हैं, ये आएगा 3x + 2y - 4z, सेकेंड इक्वेशन मिल गई, और इधर से क्या आएगा इक्वेट करने से -5 आएगा. तो यानी कि ये जो सिस्टम था नॉन होमोजेनियस सिमल्टेनियस इक्वेशन का, इसे इस टाइप से मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. अब बात आई थी यहाँ से कन्वर्ट कर लिया, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है कि हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे. तो हम लोग यहाँ से यहाँ टर्न हो गए थे, इसके लिए एक दोबारा से लिख के देखते हैं. ए एक्स इक्वल बी, अगर हमें x जो मैट्रिक्स बनी थी इसकी वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग एक्स वाई जेड मिल जाएंगे, ठीक है ना. तो x फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x इक्वल हो जाता है a इनवर्स b, यही मेन है, ठीक है ना. यहाँ से a इनवर्स b. अब सबसे पहले ये जानते हैं कि x इक्वल a इनवर्स b कैसे आया, जरा देखना, यह समझ लेते हैं थोड़ा सा. ए एक्स इक्वल टू b लिखा है, तो यहाँ लिखा था ए एक्स इक्वल b, ठीक है ना. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ ऐसा तो होता नहीं कि हम कट कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं. यहाँ x फाइंड करने के लिए a यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और a रिमूव होगा ऑपरेट करने से, किसका, यहाँ a है तो अगर हम a इनवर्स से ऑपरेट कर देंगे तो a चला जाएगा ना, क्योंकि तो हम दोनों साइड में a इनवर्स का क्या करते हैं, ऑपरेशन या ऑपरेट करते हैं. ध्यान रखना, अगर राइट हैंड साइड में यहाँ तो राइट हैंड साइड में यहाँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ, जिसका भी ऑपरेशन करना है. तो हमने यहाँ जो ऑपरेशन किया था वो किया था, ठीक है ना, यहाँ की बात. तो ये ए इनवर्स इंटू ए, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो आई इंटू एक्स हो जाएगा. इस साइड क्या रहेगा, ए इनवर्स इंटू बी रहेगा, ठीक है ना. तो आई इंटू एक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भाई मैट्रिक्स आएगा. तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है ना. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ए एक्स बी से ये कैसे, और ध्यान ये रखना हमेशा जो ए इनवर्स है वो हमेशा क्या आएगा, पहले ही आएगा, क्योंकि हम सिस्टम को ए एक्स इक्वल टू बी लिखते हैं, जब इनवर्स लेंगे तो ए हमेशा पहले आएगा. यहाँ पर ध्यान रखना था कि एक्स इक्वल टू अगर बी इंटू ए इनवर्स लिख देंगे ना तो फिर ये गलत हो जाएगा.
क्योंकि जो यहाँ का रूल है हमने कहा था ऑपरेट करते हैं इनवर्स से, तो यहाँ पर साइड इंपॉर्टेंट, अगर लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड में, अगर राइट हैंड साइड करेंगे तो दोनों राइट हैंड साइड में ही रहे, क्योंकि यहाँ पर ए जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ जो ए इनवर्स का ऑपरेशन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से ही होगा, तो यहाँ ए इनवर्स पहले रहेगा, ई नहीं रहेगा, ठीक है ना, ई वाला सही था। ओके तो यहाँ भी एक्स इक्वल टू ए इनवर्स भी चलेगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करना, बी तो ऑलरेडी हम लोग के पास है ना, तो सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करने के लिए इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फुल वीडियो बनाई है कि इनवर्स को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना, तो इनवर्स फाइंड तो उसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे। जैसे मेरे पास इनवर्स आ जाएगा, इनवर्स इनटू बी, बी की वैल्यू पहले से ही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगी, एक्स मैट्रिक्स मिलेगी तो कंपेयर करने से एक्स बाई जेड की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ये बताया था हम सबसे पहले, ये चेक करते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसके लिए यहाँ पर ज़रूरी होता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यूज क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट चेक करना है इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो डिटरमिनेंट जब चेक करेंगे इसके लिए ये ए लिखा था, मैट्रिक्स ऑफ ए है, इसका डिटरमिनेंट क्या, डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ये लिख जाएगा, यहाँ सॉल्व करना डिटरमिनेंट तो आता ही है, तो बस हमने ये कैलकुलेट किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है माइनस वन जो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, बस यही पॉइंट मेन था चेक करना जीरो है या नहीं है, तो ये आया है माइनस वन जो क्या डज नॉट इक्वल टू जीरो था, तो बस माइनस वन आ गया, इससे में ये पता चल गया है कि ये जीरो नहीं है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फिर एग्जिस्ट करेगा। तो क्या गया? अब हम लोग यहाँ से फर्दर प्रोसीड करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या होता है, जो बताया था ट्रेडिशनल या जो प्रॉपर मेथड होता है उसके लिए हम लोग पहले कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, फिर एक मैट्रिक्स बनाते हैं कोफैक्टर की, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द ए इनवर्स, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, जो मैं शॉर्टकट बताया था ना, ठीक है ना, एक मेथड उसी का यूज़ करते हैं इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे, इनवर्स फिर मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल होता है वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्या बताया था कि पहले जो भी ए मैट्रिक्स होती है ना उसे यहाँ राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं एक बार। ओके तो हमने जो पहले ए गिवन था वो हमने ए यहाँ लिख लिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमने ये बताया था कि जो भी ए लिखा होता है इसके बाद का फर्स्ट और सेकंड, ये इसका रहा फर्स्ट कॉलम और ये इसका होगा सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम को यहाँ रिपीट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, इसके बाद टू थ्री वन फर्स्ट कॉलम, फिर क्या आएगा माइनस थ्री टू वन, तो इसके बाद आएगा माइनस का थ्री टू और वन, रिपीट कर लिया, ठीक है ना। आफ्टर दैट फर्स्ट रो और सेकंड रो की वैल्यू यहाँ एज इट रिपीट की जाएंगी, तो क्या आएगा टू माइनस थ्री फाइव, टू माइनस थ्री तो आएगा टू माइनस थ्री फाइव टू और ये हो जाएगा माइनस थ्री। इसके बाद सेकंड रो रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री टू माइनस फोर थ्री एंड टू, सेकंड रो आ गया। फिर इसके बाद हमने बताया था कि यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते, तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद एडजॉइंट फाइंड के, एडजॉइंट डायरेक्ट ही आएगा, उसके लिए क्या करते हैं ये कैंसिल करने के बाद ई वाला मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ये और डिटरमिनेंट के सॉल्व करना होता है, तो ये कितना आएगा माइनस फोर, और इसे करेंगे माइनस फोर आएगा लेकिन सेकंड टर्म को नेगेटिव किया तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस का फोर और इधर भी आएगा माइनस का फोर, ठीक है ना। तो फोर माइनस फोर कितना हो गया, इसके लिए जीरो था। फिर सेकंड टर्म कितना आएगा फाइव और इससे कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का सिक्स आ रहा लेकिन नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये हो गया था फाइव माइनस सिक्स कितना बचेगा माइनस का वन। आफ्टर दैट ये हो जाएगा ट्वेल्व और ये करेंगे माइनस का टेन, तो ट्वेल्व माइनस टेन कितना बचा, ट्वेल्व माइनस टेन तो ये बचा टू, ठीक है ना। आफ्टर दैट हम सेकेंड वाले रो को लिख, सेकेंड वाले रो को लिखें, इसके लिए क्या आएगा ये माइनस फोर आएगा और ये हो जाएगा प्लस का सिक्स, ठीक है ना, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ टू। इसके बाद ये आएगा माइनस फोर और ये हो जाएगा माइनस का फाइव, तो ये हो जाएगा माइनस का नाइन। आफ्टर दैट ये हो गया फाइव थ्री या फिफ्टीन और इसके बाद ये आएगा माइनस का माइनस, ये हो जाएगा प्लस का एट, तो ये हो गया ट्वेंटी थ्री। ओके अब आते हैं लास्ट वाले पे, तो ये हो जाएगा थ्री और माइनस का करना पड़ेगा टू, तो कितना बचेगा वन। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस थ्री और ये हो जाएगा माइनस का टू, तो ये हो गया माइनस का फाइव। इधर से कितना आएगा ये फोर और ये हो जाएगा प्लस का नाइन, फोर और यहाँ से हो गया था ये आएगा प्लस का टू टू या फोर और ये हो जाएगा नाइन, नाइन और फोर यहाँ आएगा थर्टीन।
ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था, यहाँ का ये सिस्टम था, ऐसे हमने एक्स इक्वल टू बी लिखा था। ये सब लिखने के बाद यहाँ बताया इसका सोल्यूशन होता है, वो होता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की, वो देखा कि माइनस वन आया जो कि जीरो नहीं था। यहाँ से हम लोग जान गए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स होगा ए इनवर्स इक्वल टू वन बाई ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हमें एडजॉइंट फाइंड करना था, डिटर्मिनेंट मेरे पास ऑलरेडी है जो कि माइनस वन था, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग इस ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एडजॉइंट की वैल्यू आ गई थी, बस जैसे एडजॉइंट आया तो अब इनवर्स लिखते हैं यहाँ। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था इसके लिए, क्वेश्चन था कि x इक्वल, यहाँ लिखते हैं x इक्वल था वन बाई x इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स की वैल्यू ये सारी हो जाएगी, तो ए इनवर्स में रहेगा वन बाई माइनस वन। ओके, ए इनवर्स में ये आ गया। इसके बाद लिखेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट आया जीरो माइनस वन टू, फिर रहेगा टू माइनस का नाइन, फिर इधर रहेगा 23, ये रहेगा वन, ये रहेगा माइनस का फाइव और यहाँ रहेगा 13, ठीक है ना। ये लिख गया एडजॉइंट। तो क्या लिखा गया, इसे ऐसे ले सकते हैं वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू में हो जाएगा बी, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स की वैल्यू ये थी। ए इनवर्स इक्वल टू क्या था, वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और बी भी लिखा रहा था, तो हमने वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ माइनस का वन पुट किया, एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर ली, अब बी पुट करना था, ठीक है ना। तो वी कितना है, वी है 11 माइनस फाइव माइनस थ्री, तो वी है 11 माइनस फाइव और माइनस का थ्री, ठीक है ना। अब करना क्या, पहले यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई, ये रिजल्टेंट बाहर क्या लिखा, नेगेटिव वन लिखा था, तो इस नेगेटिव वन को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया देखते हैं। ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा प्लस का फाइव और ये आएगा माइनस का सिक्स, ठीक है ना। क्योंकि मल्टीप्लाई क्या, रो का कॉलम में करते हैं, तो जीरो का वन में होगा, माइनस वन का माइनस फाइव में होगा, टू का होगा माइनस थ्री में। इसके बाद सेकेंड रो का इस कॉलम में करेंगे, तो टू का अलेवन में, माइनस नाइन का माइनस फाइव में, 23 का माइनस का थ्री में। तो यहाँ कितना आएगा, टू का करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और नाइन फाइव जब, ठीक है, प्लस का 45 आएगा और ये आएगा माइनस का 69, ठीक है ना। आफ्टर दैट ये लास्ट वाले का करेंगे यहाँ, तो वन का अलेवन में आएगा, अलेवन आ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा प्लस का 25, आफ्टर दैट ये आएगा माइनस का 39, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे, निगेटिव तो बाहर ही ये वैल्यूज़ देगा जाके, ऊपर से आएगा माइनस वन, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस का टू और यहाँ से आ जाएगा माइनस का थ्री, ठीक है ना। और जब निगेटिव का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन टू एंड थ्री, ठीक है ना। तो ये वन टू थ्री आ गया। जो ये एक्स था, या देखो जरा एक्स यहीं तो पुट किया था इसकी जगह पे, तो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई और जेड की जगह इस सारे को हमने ए कहा था, इसे हमने एक्स कहा था, तो एक्स की वैल्यू रखते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई और जेड, ये था एक्स जो मैट्रिक्स माना था, ठीक है। जरा कंपेयर करते हैं, एक मैट्रिक्स ये लिखी हुई है और एक मैट्रिक्स लास्ट में लिखी हुई थी। कंपेयर करने पे आएगा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वन, और वाई की वैल्यू कितनी आएगी, टू, और जेड वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री। तो बस यही आंसर होगा, एक्स इक्वल वाई इक्वल एंड जेड इक्वल, एक्स इक्वल वन वाई इक्वल टू एंड जेड इक्वल थ्री, ये आंसर थे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन 2007 2009 एंड 2012 CBSE बोर्ड में आया है, ठीक है ना। ये थ्री टाइम्स का क्वेश्चन आया हुआ है जो हमने यहाँ सॉल्व किया था। तो देखना जरा समझ में आया होगा, दोबारा फिर से देख लेते हैं। जो भी सिस्टम लिखा था, ये सिस्टम था नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का, ठीक है ना। इसे सॉल्व करने के लिए ax इक्वल टू बी क्रेम, हम लोग यहाँ मार्टिना मैट्रिक्स मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ax इक्वल टू बी। तो ax में ए क्या होता है, कॉपिशियन मैट्रिक्स के लिए, तो कॉपिशियन था यहाँ माइन टू माइनस थ्री माइनस फाइव, इस टाइप से थ्री टू माइनस फोर, ये कॉपिशियन से मैट्रिक बनाया था। x मीन्स हो गया ये जो भी x y z जितने भी आएंगे, टू आएंगे या थ्री या फोर, तो x y z, ठीक है ना। इसके बाद जो b होता है वो होता है कॉफिशियन, जो ये होते हैं c वाले टर्म्स, कांस्टेंट टर्म, इनका होता है मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये बन गया, तो ax इक्वल बी से x इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। यहाँ सारा कुछ समझाया था कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी कैसे आया। इसके बाद हमने चेक किया था, ये हमें x फाइंड करने के लिए a इनवर्स और v चाहिए था। a इनवर्स फाइंड करना, भी तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो a इनवर्स का फॉर्मूला होता है वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ, ये a इनवर्स हो गया, इंटू में लिखा है b। a इनवर्स फाइंड करने के पहले डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, तो हमने डिटर्मिनेंट चेक किया, डिटर्मिनेंट आया नेगेटिव वन जो कि नॉन जीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पता चल गया इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला लिखा था, फिर इसके बाद हमने एडजॉइंट फाइंड किया, तो एडजॉइंट के लिए डिटरमिनेंट लिखा था, जो ट्रिक बताई थी पूरा, इससे हमने एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड की। एडजॉइंट की वैल्यू आने के बाद हमने इस सबको यहाँ वाले फार्मूले में पुट कर दिया। एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, वन बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो ये हो गया था
वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए नेगेटिव बनाया था इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू लिखा था वी, तो ये नेगेटिव रहा, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ के बाद, ठीक है ना, फिर इसे सॉल्व किया, इतना आया, नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में, यहाँ आ गया, कंपेयर करेंगे इसे और इसे, तो एक्स इक्वल टू वन आ रहा, वाई इक्वल टू टू आ रहा, जेड इक्वल टू थ्री आ रहा। अच्छा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला मेथड। इससे और भी क्वेश्चन लगा के ट्राई करें, जो ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख के दें और हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कमेंट शेयर और लाइक कर दें, ठीक है ना, ओके, थैंक यू।